दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 25x35 का पूरा मैप आज हम देने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेहतरीन से प्लान के। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 25x35 फिट का ये मॉडल आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जो की लो बजट है, बेहतरीन सा है, फ्रंट एलिवेशन भी आपको बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। अगर आप इस प्लान को सिलेक्ट करते हैं तो आप एक अच्छे घर को डिजाइन कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो मैं प्लान देता हूँ लो बजट देता हूँ, लोगों की रिक्वायरमेंट को समझ के ही प्लान देता हूँ। और मेरे प्लान जो रहते हैं ज्यादातर विलेज एरिया के लिए रहते हैं, क्योंकि विलेज एरिया के बंदे जो भी हैं, मैं भी एक विलेज से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं प्रॉब्लम्स को समझता हूँ, कैसे मकान होने चाहिए, कैसे मकान विलेज में अच्छे लगते हैं। तो ज्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि विलेज एरिया के लिए बेहतरीन सा प्लान दूं, लेकिन मैं कस्बे के लिए, शहर के लिए बेहतरीन प्लान देता हूं। उसके लिए आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर, आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके प्लान क्रिएट करूंगा। तो आज का जो प्लान है 25x35 का, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा, यहाँ पर आप नंबर, नाम वगैरह जो भी लिखवाना चाहे लिखवा सकते हैं। इसके बाद ये आपका एक बेडरूम है जिसको मैंने कवर किया है एक स्क्वायर फ्रेम में, और इसका जो विंडो है उसमें भी एक स्क्वायर फ्रेम लगा हुआ है। मैं बात करें स्टेयर्स की, ये स्टेयर्स यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, ये आपका पूरा बारंदा है और ये एक पिलर बना हुआ है। इसके बाद बात करें तो बारंदे के एरिया से आप इस गेस्ट रूम को एक्सेस कर पाएंगे, जो कि मैंने फ्रंट पे बना रखा है, इसके लिए डोर दिया है। वही बात करें आप पीछे की अंदर जाने के लिए, तो ये आपका डोर काम आएगा अंदर एंट्री करने के लिए। तो आप अंदर जाते हैं, अब अंदर आपको दो बेडरूम, सबसे पीछे दो बेडरूम से मिलते हैं, साथ साथ साइड में आपका ये देखिएगा स्टेयर्स गया हुआ है, और ये उसके नीचे ही मैंने लेट बाथ दिया है, क्योंकि मैंने इस वजह दिया, अगर अभी विलेज में घर में बनवाते हैं गांव में, तो वहां पर लेट बाथ ज्यादातर लोग बाहर ही बनवाते हैं, घर में बहुत ही कम होता है। अभी फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है, मैं बात करूं अब तो काफी लोग सजग होंगे, अंदर भी बनवाने लगे, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में आपका एरिया है तो आप लेट बाथ बाहर ही रखिए, बेहतरीन रहता। तो मैं बात करें इसकी, ये किचन एरिया है आपका, देख सकते हैं आंगन, किचन एरिया, दो बेडरूम, लेट बाथ, स्टेयर्स, और ये एक गेस्ट रूम। इसके बाद ये बारंदा बेहतरीन सा, और ये एक विंडो दिया है मैंने किचन में, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे, कोई प्रॉब्लम आपको ना मिले। तो ये पूरा देख सकते हैं आप बेहतरीन सा प्लान, मैं झूम करके आपको और दिखा देता हूँ, आप सारी चीजें देख लीजिएगा, कितना बेहतरीन मॉडल बना हुआ है। वही बात करें लास्ट या फर्स्ट फ्लोर की, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर है, और यहाँ पर चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, और ये आपका स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी, फ्रंट में ग्रिल आप देखिएगा, रेलिंग देखिए कितनी बेहतरीन सी देखने को मिल रही होगी आप, या आपका मिस्त्री जरूर बना देगा। और वही बात करें इधर की लास्ट फ्लोर की, तो आप देख सकते हैं ये आपका लास्ट फ्लोर है, बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। तो प्लान आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, तो विदाउट कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस माल हाउस प्लान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।